नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के एक बड़ा जो है सियासी बवंडर खड़ा हो उठा है, यानी कि बड़ा एक सियासी संग्राम खड़ा हो उठा है और ये संग्राम जो है कांग्रेस के भीतर से ही उठ गया है। आपको बता दें कि कल जो है आज कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक है, लेकिन इससे पहले एक दिन पहले यानी कि रविवार को कांग्रेस के भीतर खाने से ही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण है उनमें से 23 नेतागणों की जो एक चिट्ठी है वो कांग्रेस में से सोनिया गांधी जी को लिखा गया। उसमें उन्होंने कांग्रेस के जो नेतृत्व को बदलने की मांग की उन्होंने, और इसमें ये बात लिखा गया, इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है कि उन्हें जो है जमीनी स्तर पर और पूर्णकालिक जो है एक अध्यक्ष की जरूरत है। यार कि इस बार एक बड़ी बात जो आपको बता दें कि कांग्रेस जो है इस वक्त देश में हाशिए की पर खड़ा है और उसके नेतृत्व को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से जो है बदलने की मांग आ गई। 23 जो है बड़े नेता जो है वरिष्ठ जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता जो 23 हैं उन्होंने एक बड़ी बात जो है सोनिया गांधी को पत्र लिख करके मांग कर दी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी है कि जमीनी स्तर पर सक्रिय कांग्रेस अध्यक्ष की हमें जरूरत है। इसके साथ ही पार्टी में जो है वो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जमीनी स्तर तक यानी कि कार्यकर्ता के स्तर तक जो है पार्टी में बदलाव के लिए बिंदुवार तरीके से सजेशन दिया गया है। यानी कि पार्टी में है कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव होने की तैयारी में है। अभी कांग्रेस इस स्थिति में है कि अब जो है कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि आज जो है अभी फिलहाल कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक जो है दिल्ली में चल रही है, लेकिन इस बीच जो है ट्विटर पे वी वांट राहुल गांधी यानी कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने की जो है मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे में जो है बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी से बहुत सारे जो नेतागण है वो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने वे लगातार तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस का इज इक्वल टू गांधी परिवार यानी कि गांधी परिवार से ही कांग्रेस का कोई अध्यक्ष होगा। इस पे बीजेपी के नेता जो है वो पलटवार करते हुए लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो है जो भी अगर अध्यक्ष होगा आप देखिएगा कि कांग्रेस से जो अध्यक्ष है वो गांधी परिवार से ही कोई होगा, यानी कि इसके अलावा जो है गांधी परिवार के अलावा कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। ये लगातार बीजेपी इस बात को लेकर के कह रही है। हालांकि बीजेपी से ही जो है बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने आ रही है, वो लगातार हमला कर रहे हैं। अगर आप हमला की दृष्टि में देखें तो यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा जब से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आए मतलब कांग्रेस इंदिरा बनाई तब से साफ है अध्यक्ष उनके परिवार से ही कोई बनेगा। यानी कि इसके बाद बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के ऊपर आज अस्तित्व का संकट है, कोई नेतृत्व नहीं है जो है उस पर भरोसा और विश्वास नहीं होता। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इसके बाद से जो ट्विटर पे जो बातें आ रही है उस पर बीजेपी के बहुत सारे नेता जो है लगातार पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिएगा जो कांग्रेस जो है खुद कभी इससे पहले वाले प्रकरण को याद दिलाते हुए कह रही है कि पहले भी राहुल गांधी इस्तीफा की पेशकश करते हैं, इसके बाद से जो है एक दिखावटी मीटिंग होती है, इसके बाद फिर से कांग्रेस के से राहुल गांधी को ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ये प्रक्रिया जो है बार बार दोहराता रहेगा। बीजेपी ने इस बात को लेकर के पलटवार की है, लेकिन एक जाहिर सी बात है जो वास्तविक बात है कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब जो है जब कांग्रेस के भीतर खाने से ही जब कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेतागण है उनमें से 23 नेताओं ने जब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी है एक परिवर्तन की मांग कर दी है, तो ऐसे समय में यह देखना दिलचस्प होगा, इसका सभी को इंतजार होगा कि आज जो दिल्ली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक चल रही है उसमें से क्या नतीजा आते हैं। यानी कि अभी जो एक प्रोसेस चल रहा है खाना बनाने का जो प्रोसेस चल रहा है उससे आउटकम क्या निकल के आता है, यानी कि पूरे प्रकरण में जैसे जो आज व्यवस्था चल रही है आज जो बैठक चल रही है कांग्रेस की कार्य समिति से की जो बैठक चल रही है उससे रिजल्ट क्या बाहर निकलता है इसका सभी को इंतजार होगा। तो आप भी इंतजार करते रहिए भारत लाइव पर और हम भी इंतजार कर रहे हैं खबरों के आने का। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है, बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।